हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं जुलाई माह का एमसीक्यू करंट अफेयर्स जीके। यह जुलाई माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके है, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी ऐप पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ। तो मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें और साथ ही साथ हमारे सभी नए कोर्सेज को रिव्यू और रेटिंग देना ना भूलें। आइए साथियों, शुरू करते हैं जुलाई माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, हु हैज द फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 10 विकेट एंड स्कोर 500 रन इन वर्ल्ड कप 2019। कौन विश्व कप 2019 में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? ऑप्शन ए जिम्मी नीसम न्यूजीलैंड के, ऑप्शन बी साकिब अल हसन बांग्लादेश, ऑप्शन सी बेन स्टोक इंग्लैंड और ऑप्शन डी जेपी डुमिनी दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर की यदि बात की जाए तो सही आंसर है साकिब अल हसन बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऑलराउंडर है साकिब अल हसन, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में 500 रन और 10 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या सेकंड, हाउ मेनी इंडियन प्रिजनर्स लिस्ट हैज गिवन बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान ने कुल कितने भारतीय कैदियों की सूची सौंपी है? ऑप्शन ए 261 261, ऑप्शन बी 234 234, ऑप्शन सी 290 290, ऑप्शन डी 322 322। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 261। नेक्स्ट, हु मेड अगेन आरबीआई डिप्टी गवर्नर? कौन व्यक्ति दोबारा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं? ऑप्शन ए रंजन विश्वकर्मा, ऑप्शन बी प्रवीण उपाध्याय, ऑप्शन सी एनएस विश्वनाथन, ऑप्शन डी रमण घोषाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एनएस विश्वनाथन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज टर्म्स हैज वॉन द कोपा अमेरिकन 2019 टाइटल? इनमें से किस टीम ने कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी ब्राजील। और राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राजील ने 2019 का कोपा अमेरिका टाइटल जीता है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी है ज्वाइंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। राइट आंसर है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान राज्य की राजधानी और राजस्थान राज्य का पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर जयपुर शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ड्रिवन बसेस? किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें चलेंगी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। और राइट आंसर है भारत देश की राजधानी ऑप्शन सी दिल्ली में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली दिल्ली। नेक्स्ट, क्रिकेटर शोएब मलिक हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वन डे क्रिकेट, विच कंट्री ही बिलोंग्स टू? क्रिकेटर शोएब मलिक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नीदरलैंड। और राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं शोएब मलिक, और जो कि भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के पति है। नेक्स्ट, द प्लेयर अर्गान सॉरी अर्जेन
रॉबिन हैज रिटायर्ड विच गेम ही बिलोंग टू, खिलाड़ी अर्जेन रॉबिन ने संन्यास लिया है वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेनिस। और राइट आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, बजट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ई व्हीकल टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 12%। बजट 2019 पेश किया गया है जिसमें ई वाहन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर कर दिया है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 2%। और इसका राइट आंसर है 12% से घटाकर टैक्स को किया है 5%, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन जुलाई 3, 2019। 3 जुलाई 2019 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ई महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी अंबाती रायडू, ऑप्शन सी केदार जाधव, ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंबाती रायडू ने। नेक्स्ट, हु इज द सेकेंड इंडियन टू विन गोल्ड एट द ग्लोबल इवेंट, कौन ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है। ऑप्शन ए उर्मिला राव, ऑप्शन बी दूती चंद, ऑप्शन सी सोमा देव, ऑप्शन डी पूजा वैभव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूती चंद। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कार मैन्युफैक्चरर्स हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार, इनमें से किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी कार लॉन्च की है। ऑप्शन ए महिंद्रा, ऑप्शन बी हुंडई, ऑप्शन सी मारुति सुजुकी, ऑप्शन डी ओपल। और इसका राइट आंसर है हुंडई ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव मंथली अलाउवेंस टू द पद्म अवार्डी हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, किस राज्य की सरकार ने गरीबी से जूझ रहे पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने पद्म पुरस्कार विजेता जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं उनको मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड बीसीसीआई एज हेड ऑफ द इंडियन क्रिकेट अकेडमी, बीसीसीआई ने किसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए संजय मांजरेकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट, विच टीम हैज वॉन द वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2019 टाइटल, किस टीम ने महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका ने। नेक्स्ट, हु अमोंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, इनमें से किसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद नबी, ऑप्शन सी राशिद खान, ऑप्शन सी गुलाम बदीन नईम, ऑप्शन डी मोहम्मद शहजाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राशिद खान को। नेक्स्ट, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कौन भारतीय विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ बनी है। ऑप्शन ए सरिता राव, ऑप्शन बी किरण अग्रवाल, ऑप्शन सी लक्ष्मी गुप्ता, ऑप्शन डी अंशुला कांत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंशुला कांत। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वॉन विलम्बडन वुमेन सिंगल्स टाइटल, इनमें से किसने विलम्बडन का महिला एकल खिताब जीता है। ऑप्शन ए कैरोलिन वोजनिकी, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी सिमोना हालेप, ऑप्शन डी स्टेफी ग्राफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिमोना हालेप। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट हाउ मैनी पीपल वर रिलीज्ड फ्रॉम पॉवर्टी इन द ईयर 2016। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2006-2010 के बीच कुल कितने लोग भारत में गरीबी से मुक्त हुए। ऑप्शन ए 27.10 करोड़, ऑप्शन बी 22.35 करोड़, ऑप्शन सी 33.10 करोड़,
ऑप्शन डी 43.52 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27.10 करोड़। नेक्स्ट, फेमस पर्सन अमित पुरोहित डाइड ही वाज। प्रसिद्ध व्यक्ति अमित पुरोहित का निधन हुआ है, वह थे ऑप्शन ए एक्टर अभिनेता, ऑप्शन बी फॉर्मर गवर्नर पूर्व राज्यपाल, ऑप्शन सी फॉर्मर कमेंटेटर पूर्व कमेंटेटर, ऑप्शन डी साइंटिस्ट वैज्ञानिक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्टर यानी कि अभिनेता थे अमित पुरोहित। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन ए 11 जुलाई 11 जुलाई को, ऑप्शन बी 10 जुलाई 10 जुलाई को, ऑप्शन सी 9 जुलाई 9 जुलाई को, ऑप्शन डी 5 जुलाई 5 जुलाई को। राइट आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर 11 जुलाई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन ए 18 जुलाई 18 जुलाई को, ऑप्शन बी 15 जुलाई 15 जुलाई को, ऑप्शन सी 11 जुलाई 11 जुलाई को, ऑप्शन डी 16 जुलाई 16 जुलाई को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 जुलाई 18 जुलाई को। नेक्स्ट, फेमस पर्सनालिटी स्वरूप दत्त डाइड हु वाज। प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वरूप दत्त का निधन हुआ है, वह थे ऑप्शन ए एक्टर अभिनेता, ऑप्शन बी साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ऑप्शन सी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पूर्व वित्त मंत्री। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्टर अभिनेता। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश गवर्नर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अनसुईया उइके विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन बी अनसुईया उइके निर्मा राठौर, ऑप्शन सी अजय ठाकुर गोविंद नागर, ऑप्शन डी सुमैया राव अनसुईया उइके। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नियुक्त की गई है, और विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के करीब 5 राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज अवार्डेड 2 अर्जुन अवार्ड टू प्लेयर्स। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किन 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना शिखर धवन, ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी पीवी सिंधु स्मृति मंदाना, ऑप्शन डी शुभम गिल हरमनप्रीत कौर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट, इंग्लिश प्लेयर जेर डनबैक हैज रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल गेम, विच गेम ही बिलोंग टू। इंग्लिश खिलाड़ी जेड डर्नबैक ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड हिमाचल प्रदेश गवर्नर। कौन व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए देवेश नामदेव, ऑप्शन बी अशोक त्रिपाठी, ऑप्शन सी कलराज मिश्रा, ऑप्शन डी नवीन कुमार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलराज मिश्रा। नेक्स्ट, हु वॉन विलम्बडन्स मैन सिंगल टाइटल्स। इनमें से किसने विलम्बडन का पुरुष एकल खिताब जीता है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी एंडी मरे, ऑप्शन डी जिम्मी कॉर्नर्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस टीम हैज वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 टाइटल। इनमें से किस टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। राइट आंसर है फाइनल में इंग्लैंड ने 2019 का विश्व कप खिताब पहली बार अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था और यह अपनी धरती पर खेला गया मैच था, यानी कि इंग्लैंड में मैच खेले गए थे और वहीं पर इंग्लैंड ने अपनी जीत पहली बार, जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार अपनी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट,
हु हैज बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। कौन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए संगठन महासचिव बने हैं? ऑप्शन ए गणेश यशवी, ऑप्शन बी बीएल संतोष, ऑप्शन सी पीआर रमन, ऑप्शन डी सौरव खन्ना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीएल संतोष। नेक्स्ट, फेमस पर्सनालिटी शीला दीक्षित हैज डाइड सी वाज। प्रसिद्ध व्यक्तित्व शीला दीक्षित का निधन हुआ है, वह थी। ऑप्शन ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी सिंगर गायिका, ऑप्शन सी एक्ट्रेस अभिनेत्री, ऑप्शन डी साइंटिस्ट वैज्ञानिक। शीला दीक्षित जो कि कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता थी तथा 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मुख्यमंत्री रही थी, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वह पूर्व मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, न्यू प्रोजेक्ट हैज बीन अनाउंस्ड टू स्टॉप द फेटल इफेक्ट बाई पारे बाई यूएनईपी एंड यूएनईपी एवं द्वारा पारे के घातक प्रभाव को रोकने हेतु नई परियोजना की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए चाइना ने, ऑप्शन बी जापान ने, ऑप्शन सी रसिया रूस ने, ऑप्शन डी ब्राजील ने। राइट आंसर है यूएनईपी और उसके साथ जापान ने पारे के घातक प्रभाव को रोकने हेतु नई परियोजना की घोषणा की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द सिक्स्थ इंडियन टू ज्वाइन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6वें भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी वीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ब्रिटेन। कौन ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है? ऑप्शन ए सुमैया राव, ऑप्शन बी अंजलि त्रिवेदी, ऑप्शन सी रोशनी प्रताप, ऑप्शन डी प्रीति पटेल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रीति पटेल। नेक्स्ट, हु हैज बीन द चेयरमैन ऑफ द की कमेटी ऑफ द आईसीसी। कौन आईसीसी की अहम समिति के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए इमरान अहमद, ऑप्शन बी मार्क वोल्बे, ऑप्शन सी एहसान मनी, ऑप्शन डी जिम्मी पियर्सन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एहसान मनी। नेक्स्ट, नुवान कुलसेकरा हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन July 24, 2019। विच कंट्री ही बिलोंग टू। 24 जुलाई 2019 को नुवान कुलसेकरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका से। नेक्स्ट, श्रीलंकन क्रिकेटर लसित मलिंगा हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फॉर्मेट ऑन July 2019-22। 22 जुलाई 2019 को श्रीलंकाई क्रिकेटर लसित मलिंगा ने किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए T20, ऑप्शन बी वनडे एक दिवसीय, ऑप्शन सी टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, इन सभी से। और इसका राइट आंसर है वनडे एक दिवसीय क्रिकेट मैचों से, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन ए कीमो मॉर्गन, ऑप्शन बी एमिला जॉन्स, ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी लुक ओवार्ड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, विच जुबली ऑफ चंद्रशेखर आजाद हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन July 23, 2019। 23 जुलाई 2019 को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 109वीं, ऑप्शन बी 113 113वीं, ऑप्शन सी 119 119वीं, ऑप्शन डी 123 123वीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 113वीं 113। नेक्स्ट, इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च द चंद्रयान सेकंड मिशन। टेल अस विच कंट्री विल बिकम द नेशन ऑफ द मून, द सरफेस एंड द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन द एनवायरमेंट विच इज स्टेइंग ऑन द सरफेस। इसरो ने हाल ही में 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है। बताइए, इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन गया है? ऑप्शन ए फोर्थ चौथा, ऑप्शन बी सेकंड दूसरा, ऑप्शन सी एट्थ आठवां,
ऑप्शन डी फिफ्थ पांचवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्थ, यानी कि चौथा भारत देश जो है वो चौथा राष्ट्र बन जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन द प्रेसिडेंट कप, कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन ए अखिल कुमार, ऑप्शन बी विजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी शिव थापा, ऑप्शन डी विकास यादव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव थापा। नेक्स्ट, इन द राज्यसभा द थ्री डाइवर्स बिल हैज पास्ड, टेल विच इज द वर्ल्ड वेयर द थ्री डाइवर्स वर फर्स्ट बैंड। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हुआ, यह मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशी की लहर है। बताइए दुनिया का कौन सा देश है जहां तीन तलाक को पहली बार बैन किया गया था। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन डी बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इराक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिस्र में। नेक्स्ट, ऑन जुलाई 13 द 133 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुथु लक्ष्मी रेड्डी वाज सेलिब्रेटेड। 30 जुलाई को मुथु लक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई। वह थी ए इंडियाज फर्स्ट वुमेन एमएलए, भारत की पहली महिला विधायक, ऑप्शन बी इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ऑप्शन सी इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इंडियाज फर्स्ट वुमेन वाइस गवर्नर, भारत की पहली महिला उपराज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियाज फर्स्ट वुमेन एमएलए, भारत की पहली महिला विधायक। नेक्स्ट, विच इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑन 29 जुलाई 2019 फ्रॉम त्रिपुरा। 29 जुलाई 2019 को भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई है। ऑप्शन ए फिफ्थ पांचवी, ऑप्शन बी सेवंथ सातवीं, ऑप्शन सी एट्थ आठवीं, ऑप्शन डी टेंथ दसवीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवंथ सातवीं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 जुलाई 29 जुलाई को, ऑप्शन बी 25 जुलाई 25 जुलाई को, ऑप्शन सी 21 जुलाई 21 जुलाई को, ऑप्शन डी 19 जुलाई 19 जुलाई को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 जुलाई 29 जुलाई को। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेपेटाइट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 28 2019, विच स्टार्टेड। 28 जुलाई 2019 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए ईयर 2010 वर्ष 2010 से, ऑप्शन बी ईयर 2012 वर्ष 2012 से, ऑप्शन सी ईयर 2015 वर्ष 2015 से, ऑप्शन डी ईयर 2018 वर्ष 2018 से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2010 ईयर 2010 से। नेक्स्ट, हु हैज अनाउंस्ड बीसीसीआई द न्यू स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी टोयोटा, ऑप्शन सी बायजूस, ऑप्शन डी पेटीएम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाई जूस। नेक्स्ट, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद अमीर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फॉर्मेट ऑन जुलाई 2019। 26 जुलाई 2019 को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी टी20, ऑप्शन सी वनडे एक दिवसीय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इन सभी से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेस्ट से। क्वेश्चन संख्या 49, विच ऑफ दीज हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इनमें से कौन कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए एच डी कुमार स्वामी, ऑप्शन बी बी एस येदुरप्पा, ऑप्शन सी सिद्धरमैया, ऑप्शन डी जगदीश सेत्तर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बी एस येदुरप्पा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15, हु हैज बिकम द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन ब्रिटेन, कौन ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है। ऑप्शन ए सुमैया राव, ऑप्शन बी अंजलि त्रिवेदी, ऑप्शन सी रोशनी प्रताप, ऑप्शन डी प्रीति पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रीति पटेल। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा जुलाई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके। सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमारे
वीडियोज का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।